फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हिंदी व्लॉग। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं पटनी टॉप निकलने के लिए और बाइक पे सामान रेडी हो रहा है वो देखो। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, काफ़ी लेट हो गए हैं। वैसे ब्रेकफास्ट बहुत लेट आया, इस चक्कर में हम लोग लेट हो गए। उठ तो मैं जल्दी ही गई थी बट आज मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मन ही नहीं कर रहा था गाइस उठने का। ऐसा कई बार हो जाता है कि उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट क्या करें, टाइम से भी पहुंचना था बट लेट हो गए। जल्दी जल्दी करा सब कुछ इतना, फिर भी लेट हो गए। तो कोई नहीं, अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, बिकॉज़ यहाँ श्रीनगर में काफ़ी जाम हो जाता है रोड्स पे। तो यहाँ से निकलते निकलते हमें आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा जब हम निकलेंगे तो कैसा ट्रैफिक मिलेगा, तो हमें पता नहीं अभी। तो रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और बने रहना आप लोग गाइड। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी गेम साइट जिसमें आप गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप लोग गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने अपनी गेम को ओपन कर लिया है वन विन, एंड मैं डिपॉजिट करने जा रही हूँ गाइस 3000 रुपीज़, एंड चूज पेमेंट ऑप्शन पेटीएम, एंड देन मैं यहाँ पर 3000 रुपीज़ की बैट लगा रही हूँ गाइस। एंड चलते हैं लकी जेट गेम पर, एंड यू कैन सी ऑन स्क्रीन वन विन गेम ओपन हो रही है। एंड गाइस यहाँ पर दो जगह बैट लगाने जा रही हूँ, एंड ये मैंने दो जगह पर बैट लगा दिए गाइस। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एंड वेट फॉर अ वाहिल। एंड गाइस ये आई वांट 3025 रुपीज़, सेकंड टाइम मैं फिर बैट लगाने जा रही हूँ गाइस, एंड आई वांट 3195 रुपीज़। सो गाइस जीती हुई रकम को अकाउंट में ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है, उसके लिए लॉगिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विड्रॉल ऑप्शन पे जाएंगे, एंड देन अपना चूज पेमेंट ऑप्शन पेटीएम। एंड गाइस जो हमें अपनी डिटेल्स फिलअप कर रही हूँ, एंड देन वेट फॉर अ वाइल। एंड ये गाइस मैंने जितनी भी मनी जीती थी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली है। सो गाइज ये थी वन विन साइट जिस पे आप जाके गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं गाइज, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इफ अगर आप हमारे यूज़ प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं और रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 25,000 का बैलेंस गाइज। सो जल्दी से जाइए और वन विन साइट को डाउनलोड कीजिए गाइज। एंड प्लीज़ एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज गेम्स को अपनी रिस्क पे खेलें, बिकॉज गेम्स में रिस्क भी होता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। तो अभी हम श्रीनगर से निकल रहे हैं पटनी टॉप के लिए, और टाइम हो रहा है 10:37, 10:30 बजे निकले थे हम, और श्रीनगर से निकल रहे हैं हम, और पटनी टॉप है यहाँ से 175 किलोमीटर। और आज का जो स्टे है वो है अपना पटनी टॉप में, कहाँ है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा, और यहाँ से लगेंगे अप्रोक्सीमेट 5 घंटे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ट्रैफिक कितना हो रहा है रोड पे। श्रीनगर से निकलने में हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, नेशनल हाईवे पहुँचते ही बहुत हैवी रश हो रहा है। कल हम डल झील गए थे, डल लेक गए थे, तो वहाँ पे भैया ने ये बताया था कि आप टाइम से निकल जाना, सुबह 7-8 बजे तक निकल जाना तो सही रहेगा, बट क्या करें लेट हो गए, सामान बांधने में आधा पौना घंटा लग जाता है कम से कम, और गर्मी इतनी हो रही है गाइस क्या बताऊं, यहाँ पे सामान बांधने में पसीने छूट गए, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। गर्मी वैसे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, पर दिल्ली के मुकाबले तो कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमें 15-20 दिन हो गए टूर पे, लेकिन गर्मी सही में आप जाके लगी, क्योंकि अभी तक हम एक सिमिलर टेम्परेचर में रह रहे थे, तो अब गर्मी ज़्यादा लगने लग गई, क्योंकि जहाँ भी अब तक 20 दिन में जहाँ भी घूमे हम सबसे ज़्यादा गर्मी श्रीनगर में ही लगी हमें, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो रखा है यहाँ पे, 25 से 30 के बीच में चल रहा है, और दोपहर को 30-31 तक चल रहा है, तो आप सोच सकते हो गर्मी तो है यहाँ पे भी, गर्मी कम नहीं है। और अभी तक जो हम जहाँ रह रहे थे ऐसे लेह हो गया, मनाली हो गया, जिस्पा हो गया, पूरा गोंडरंजन हो गया, कारगिल हो गया, यहाँ पे क्या है सब जगह टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 के बीच में है, और एक श्रीनगर ही एक ऐसा जगह मिली हमें जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 25 से अबव है, तो इसलिए मैं भी गर्मी लग रही है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उसके हिसाब से हैबिट हो गई है, और अब हमें लग रही है गर्मी। अब आप सोच सकते हो कि जब हम दिल्ली पहुँचेंगे या अमृतसर के लिए निकलेंगे पटनी टॉप से,
तो कितनी गर्मी होगी। तो ठीक है गाइस, कोई नहीं, अब जो गर्मी है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से फटाफट, श्रीनगर से हाईवे, जम्मू हाईवे को पकड़ते हैं और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। जम्मू श्रीनगर हाईवे पकड़ लिया हमने। हाईवे तो बढ़िया है लेकिन जगह जगह कट बने हुए जैसे आप देख रहे हो, ये तो उस वजह से बार बार कोई ना कोई आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है बहुत, भगाने का इतना मौका नहीं मिल रहा। हाईवे तो अच्छा बना हुआ है। तो गाइस देखिए जाम लगा हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 44 पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जाम लग गया है तगड़ा वाला। देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से, कितनी देर लगती है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो गाइस टनल आ गई है, बहुत बढ़िया टनल बनी हुई है गाइस, बहुत बढ़िया जबरदस्त टनल का नाम मेरे को नहीं पता, चाहिए चेनानी टनल है या कौन सी टनल है मेरे को आइडिया नहीं है। इसकी लेंथ शायद 8 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की है, ये बाहर लिखा हुआ था शायद, मेरे मुझे लगता है चेनानी टाउन टनल ही है ये, बाकी अभी पता चल जाएगा बाहर जाते कि टनल का नाम क्या है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे गाइस एग्जिट का वो बना हुआ है और SOS सर्विस भी अवेलेबल है, ऑल सर्विस, और एरो दे रखे हैं कि आपको किस साइड भागना है, कुछ अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आपको लेफ्ट साइड में भागना है, राइट साइड में बना हुआ, सब बना हुआ है। चेनानी नाचरी टनल अभी आगे आएगी, वहाँ से नहीं जाना है हमें पटनी टॉप, क्योंकि अगर वो टनल निकल गए तो वो बाईपास हो जाएगा, हमारी जगह निकल जाएगी, तो वो टनल से शायद हम कल निकलेंगे। भयानक जाम हो गया, आधा घंटा हो गया, रेंगते जा रहे हैं, रेंगते जा रहे हैं, रेंगते जा रहे हैं। गूगल ने दिखाया था अलर्ट, पर अभी भी रेड है, क्या करें, टूरिस्ट इतना आ रहा है, जाम लगा हुआ पूरा। वो तो आर्मी ऑफिसर ने पीछे खोल दिया, वरना तो बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से निकल पाए वहाँ से। अब शायद आगे रखा मिल जाएगी। तो गाइस रामवन आ गया, विलेज आ गया एक रामवन, और यहाँ से अप्रोक्स रह गया 44 किलोमीटर पटनी टॉप, और जाम लग गया फिर से। नाशी टनल आ गई है, वहाँ से नहीं जा रहे हैं, टनल की लेंथ है 9 किलोमीटर। हम ओल्ड रोड से जा रहे हैं पटनी टॉप, क्योंकि हमें पटनी टॉप जाना है, जम्मू नहीं जाना। अगर हमें जम्मू जाना होता तो हम इस टनल का यूज़ करते, तो हम जा रहे हैं ओल्ड रोड से। क्योंकि अगर हम इस टनल को क्रॉस कर गए तो बाईपास हो जाएगा पटनी टॉप, और हमें उल्टा वापस आना पड़ेगा। तो चेनानी नाशरी टनल को हम नहीं जा रहे हैं, वहाँ से दूसरे रास्ते से आ रहे हैं ओल्ड रोड पटनी टॉप के लिए। भाई यहाँ से रह गया 10 किलोमीटर पटनी टॉप, पहुँचने वाले हैं बस पटनी टॉप। टेम्परेचर बढ़िया हो गया, थोड़ा नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर यहाँ फिर भी सही लग रहा है पटनी टॉप में। पहाड़ की चोटी पे पहुँचने वाले हैं गाइस पटनी टॉप, नाथा टॉप भी है गाइस एक। पूरा जंगलों के बीच में से रास्ता बना हुआ, पूरा जंगल देखो गाइस, जंगल एकदम। गाइस बड़े बड़े टर्न्स आ रहे हैं, शार्प टर्न एकदम। गाइस यहाँ से रह गया 7 किलोमीटर
पटनी टॉप पहले आ जाएगा और हमारा होटल जो है वो आएगा 7 किलोमीटर रह गया वो, क्योंकि लोकेशन जो है गाइस मैंने डाली है होटल की, और होटल थोड़ा और ऊपर है पटनी टॉप से। दिसंबर जनवरी फरवरी में बहुत स्नोफॉल होती है गाइस यहाँ पे। तो गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है, वो देखो गाइस रोप वे चल रही है वो सामने, और कितने सारे पेड़ हैं वहीं से ही आ रहे हैं अभी हम जंगलों में से। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से रह गया गाइस हमारा होटल 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर। हेलो यूट्यूब फैमिली, अभी हम लोग जस्ट पहुंच गए हैं पटनी टॉप अपने होटल में, और होटल बहुत सुंदर है, रूम बहुत क्लासी है। तो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ, ये है एंट्री गेट और यहाँ पे है वॉशरूम। ये है रूम का कुछ लुक, इधर है बेड, सोफा सिटिंग, वार्डरोब, मिरर एंड बालकनी भी है। बहुत अच्छी अच्छा रूम है, हमने ऑनलाइन देख के बुक कराया था। ये है बालकनी सेटअप और ऐसा ही होटल का लुक। तो ये है होटल वन अर्थ हेरिटेज और काफ़ी अच्छी होटल है। बाकी खाना वगैरह कैसा होगा यहाँ का रिव्यू मैं आफ्टर खाने के बाद ही आपको बताऊंगी। तो होटल तो काफ़ी अच्छी है। तो गाइज ये था होटल वन अर्थ हेरिटेज, काफ़ी अच्छी होटल है, रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी फूड क्वालिटी कैसी होगी वो खाने के बाद बताऊंगी आपको। तो अभी तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बैक पेन होने लग जाती है काफ़ी देर तक कंटिन्यू राइड्स पे। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ही मिलूंगी, तो तब तक के लिए। तो हे यूट्यूब फैमिली, अभी जस्ट हमने अपना लंच कर लिया है और हम अभी बाहर आए हैं, और होटल काफ़ी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, फूड इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड अभी बस हम लोग बाहर थोड़ा इंजॉय करेंगे। ये है बाहर का व्यू, मैं वहाँ झूला झूलूंगी बिकॉज मुझे झूला बहुत पसंद है। ये हमारी होटल रात को लाइटिंग होगी यहाँ पे, तो मे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो वो भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है रात को ये होटल का लुक। अभी का तो लुक आपको शायद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन रात को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे होटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अंदर से भी अच्छा है और बाहर से भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बेस्ट है। तो बस अभी थोड़ी देर घूमेंगे यहाँ पे, क्योंकि पटनी टॉप में कल फोटो क्लिक करेंगे, आज भी बहुत थक गई हूं, फोटो क्लिक करेंगे और रात को देखेंगे, अगर अच्छा भी हुआ तो अभी दिखाएंगे आपको कि रात को कितना अच्छा लगता है होटल। ठीक है, तो हे गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, तो अभी बज रहे हैं 7:00 इवनिंग के, और अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और फाइनली आज मुझे केटल सर्विस मिल गई है, तो मैं खुद से चाय बनाऊंगी। तो चलते हैं चाय बनाने। तो यहाँ मैं बनाऊंगी अपनी टी और बनाते हैं टी अच्छी सी, देखते हैं। वैसे इन लोगों ने तो सिर्फ ये 4 ही मिल्क पाउडर रखे थे, बट मेरे पास काफी सारा मिल्क पाउडर है, अभी एक पैकेट और है, तो बनाते हैं चाय। घर मतलब अब कैटर वाली चाय ऐसी बनती है, तो प्लीज आप लोग इतना मत। ये बनाई है मैंने चाय, चाय भी हो जाएगी, चाय की जगह दूध भी चला जाएगा बॉडी में, तो ठीक है।
अब पी के देखेंगे कैसी बनी है। एक्चुअली ये टी बैग्स थोड़े कम हैं और मेरे पास भी टी बैग्स नहीं है, मैं लेके नहीं निकली थी टी बैग्स। नेक्स्ट टाइम की ट्रिप पे मैं टी बैग जरूर लेके निकलूंगी, होने चाहिए वो। और टी बैग थोड़े कम रह गए, बट ठीक है, ओके ओके है, कलर थोड़ा लाइट है बट चलेगा। ठीक है, देखते हैं कैसी है, फिर बताती हूँ। तो अभी रिव्यू लेते हैं चाय का बेबी से कि उनको कैसी लगी चाय। बस चाय के कलर में मत जाना गाइस, वो चाय टी बैग मेरे पास कम थे। और ये जो है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बेबी हाथ उठाओ। ये हमने ना श्रीनगर से लिए थे, ऐसे गोल गोल होते हैं कुछ, बट गाइस ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप लोग ये ऐसा होता है, ये गोल गोल ये बहुत यम होते हैं। पता नहीं ये उनकी वहाँ की कोई डिश, मतलब हम लोग चाय वगैरह के साथ खाते हैं, कुछ है ये वहाँ का स्पेशल। तो आप लोग जाएं तो वहाँ से पैकिंग करा सकते हैं। और मैंने वहाँ पे एक बेकरी से एक डोनट खाया था, इट्स सो यम, मतलब इतना टेस्टी डोनट मैंने आज से पहले कहीं नहीं खाया, सीरियसली। मतलब कुछ अलग ही फ्लेवर आ रहा था, और शॉप का नाम तो मुझे याद नहीं है, सो सॉरी। बट मैं ऐसी रैंडमली चली गई थी उधर, बेकरी की कोई शॉप थी अच्छी सी, लाल चौक पे थी वो दुकान, हाँ। और बहुत टेस्टी उनकी पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें, पुडिंग और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो लोकल फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए आई थिंक। और हमने कश्मीरी पुलाव जो ट्राई किए थे वो तो इतने यम थे ना, मतलब अभी तक उनका टेस्ट लाइक मेरे मुंह में ना, मतलब ऐसे है लिटरली कि मतलब लाइक कि वाह, उसने यम थे वो, क्या फ्लेवर था उन लोगों का बनाने का, ज़बरदस्त। तो ठीक है, जहाँ भी जाएँ लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें, करना चाहिए आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अभी हम अपनी टी इंजॉय करते हैं गाइस, आप लोग भी अपनी टी इंजॉय करें। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, है ना, तो बाय बाय। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा बाहर आए हैं अपने रूम से, और होटल की लुक दिखाती हूँ आपको, लाइटिंग वगैरह कैसी लगती है। ये जा रहा है मेरा बेबी, और गाइस ये है नाइट का लुक, कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं कुछ बिस्किट वगैरह लेने के लिए, हम काले दिख रहे होंगे। हाँ, लाइट लाइटिंग लाइटिंग बहुत कम है। तो अभी देखते हैं, चलते हैं कुछ खाने का ऑर्डर कर देते हैं यहाँ पे पहले, तो लेट्स गो। एंड दिस इज रिसेप्शन। ये भैया यहाँ के रिसेप्शन के ओनर हो भैया? ओके ओके ओके। ये यहाँ पे किचन सिस्टम और डाइनिंग वगैरह गाइस, अच्छा होटल है, आप लोग आए यहाँ पे विजिट करें, काफी अच्छा है। रूम सर्विस बहुत अच्छी है, साफ ऑसम है, खाना बहुत अच्छा है, और सब कुछ बहुत अच्छा है, होटल पूरी ऑसम है, सीरियसली बहुत बड़ा बना हुआ है, मैं भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा होटल है, कितना अच्छा लगता है। मॉर्निंग का लुक भी दिखाऊंगी मैं आपको, क्या रहेगा। तो अच्छा होटल है, आप विजिट करें। और ये बाहर का लुक है, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ बिस्किट्स लेने के लिए, तो कुछ बिस्किट्स लेते हैं चाय के साथ खाने के लिए। यहाँ से बिस्किट, और ये छोटा सा लड़का है यहाँ पे बिस्किट दे रहा है, बहुत क्यूट सा बॉय है। ये कौन सा ले रहे हो, दूसरा फ्लेवर नहीं है? एक अंकल है गाइस यहाँ पे, आई थिंक टिकट उन्होंने रखे हैं। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से, फिर मिलते हैं गाइस। बाहर से ऐसा दिखता है होटल, बहुत सुंदर लगता है रात को तो लाइटिंग के साथ। और अभी हम यहाँ बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, मिठाइयों की बहुत सारी दुकान है, हमने लिए हैं 3 बिस्किट गुड्डे के छोटे छोटे, और 3 आइसक्रीम लिए हैं खाने के लिए। आइसक्रीम तो खानी पड़ेगी अभी, तो अभी खानी पड़ेगी, पिघल जाएगी। हाँ, डाइनिंग टेबल पे मिलेंगे। हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं आपको इनका डाइनिंग सेटअप दिखा देती हूँ कैसा है, काफी कूल है। तो
काफी अच्छा डाइनिंग सेटअप है यहाँ पे, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो अभी हम अपने डिनर एंजॉय करते हैं उसके बाद में। गाइस अभी आ गया है हमारा डिनर, और डिनर में हमने ऑर्डर किया है वेज बिरयानी एंड कर्ड। तो मैं आपको दिखाती हूँ, काफी यम लग रहा है वो, सो यमी। तो अभी हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे, आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय करना, और तब तक के लिए गुड नाइट। कल मिलेंगे सुबह, कल हम लोग जाएंगे अमृतसर, तो अमृतसर जाएंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे, और फिर उसके बाद बताएंगे कहाँ जाएंगे। फिर ऐसे करते करते हम एक दिन घर पहुंच जाएंगे। तो गाइस कल मिलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।